तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सांप है और सांप के अंडे हैं। कैमरा मैन और आइए धीरे धीरे निकालते हैं और देख सकते हैं दोस्तों ये अद्भुत नजारा। सभी अंडा तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं शत्रुघ्न बाबा एक बार फिर से एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं जहां मतलब सांप के डर से छोटे छोटे बच्चे जो है काफी परेशान है, मतलब इनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। क्या नाम है बहुनी तोहर? बोल, काची निकला है आपके घर में? अरे तू ना बोल, चल क्या निकला है बाबू आपके घर में? जोर से बोलिए। सांप। सांप निकला हुआ है? तो सांप मतलब क्या करता है? काटता है। काटता है, देखिए सांप, सांप सांप से आपको डर लगता है? अच्छा, देखिए सांप से डर लगता है, चलिए चल के देखते हैं, अगर वहाँ पे सांप होगा तो बहुत जल्द हम लोग निकाल देंगे। चलिए चल, तो दोस्तों सांप यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ये सीढ़ी ऊपर छत पे चढ़ने का जगह बना गया है और भैया कह रहे हैं कि सांप यहाँ पे है और इधर से आने का रास्ता है। आइए थोड़ा दिखाइए यहाँ पे, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कपड़ा लगाया गया है, ईटा लगाया गया, पहले ये खुला था ना भैया? हाँ। और उसके बाद सांप कैसे दिख गया? मतलब सांप जो दिखा ना तो छोटा बच्चा जो वही हाथ लगाया था तो उसने सटा था। अच्छा, कौन छोटा बच्चा है? ये वाला। आओ आओ बाबू, तुम बहुत अच्छा लड़का है, बैठ जाओ। चलो इसमें झांक के देखने पे दिख रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कोना से देखेगा, कोना से इस कोने से उस कोने पर। हाँ, उस कोने पर देखिए। तो दोस्तों यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर पूरा खोखला है, ये वो छोटा सा समझ के रूम की तरह हो गया है, चारों तरफ से खोखला है। और तो दोस्तों फाइनली सांप भी हमें दिख चुका है और आइए हम आप लोग को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। आइएगा दोस्तों, देख सकते हैं ये आप अंदर का भाग, देख सकते हैं ये अंदर का भाग है। ये यार इसमें अंडा भी दिख रहा है यार, अंडा की तरह दिख रहा है दोस्त। तो दोस्तों देख सकते हैं कैमरा पूरा अंदर गया हुआ है और वहां पे अंडा भी दिख रहा है। तो दोस्तों बता दें कि सांप वहां पे बहुत सारा अंडा दे दिया है
और काफी सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ से इसको इतना तोड़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इस गुफा को तोड़ दिए हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गुफा बना हुआ था। और चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। चलिए ये लाए। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं सांप को। ये कोई मार के बैठल भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सांप है और सांप के अंडे हैं। काफी सावधानी के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। कैमरा मैन दोस्तों फाइनली हमने काफी सूझबूझ के साथ पहले सांप को पकड़ लिया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं ये सांप कितना वहीं से कोके हुए इन्होंने। भाई ना बाबू एक किलो जलो है। चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं। आइए थोड़ा सा चल बाबू। रुक जाइए एक मिनट। चलिए आइए। तो दोस्तों फाइनली हम सांप को अंदर से बाहर ला दिए हुए हैं। और ये ऐसा कारनामा पहली बार देखने को मिला है। एक नागिन सांप साक्षात अपने अंडों के साथ किस तरह से अंडों की सेवा कर रही थी ये हमने जीवन में पहली बार देखा। तो दोस्तों पहले आइए सांप को हम फिलहाल डिब्बे में रखते हैं। दोस्तों हमारा नकल करने का प्रयास ना करें। और चलिए सांप को हमने सुरक्षित रख लिया है। डब्बा में चारों तरफ छेद है। और चलिए सांप के अंडे वहां से लाते हैं। दिख रहा है? दिख रहा बाबू?
तने के डर नहीं रहा भरोसा माटी नहीं रखा जी उसकी और दोस्तों फाइनली हम अंडे को उठा लिए हैं। लगभग सभी अंडा एक में जुड़े हुए हैं और आइए धीरे धीरे निकालते हैं और देख सकते हैं दोस्तों ये अद्भुत नजारा। सभी अंडा एक में जुड़े हुए हैं। मेरे भाई थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा, देख सकते हैं किस तरह से कितने सारे अंडे हैं और देख सकते हैं जगह कितना कंजेस्टेड है। तो दोस्तों जिस तरह अंडे थे ठीक उसी तरह रख दिए, आइए यहाँ पे रखते हैं। और चलिए फिर वहाँ पे देख लेते हैं कोई अंडा छूट तो नहीं गया। और जब तक देखते हैं तब तक मेरे भाई वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए एक से एक वीडियो हम बनाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों फाइनली इसमें अब अंडे नहीं है। चलिए बाहर चलते हैं। सर देख ले बढ़िया। जी जी बिल्कुल देख लिए हैं। चलिए भाई कैमरा पे बने रहिएगा सर, इधर आइएगा इधर। और दोस्तों फाइनली काफी तेज गर्मी है और गर्मी के सीजन में ही साफ और दोस्तों फाइनली अंडे को निकाल लिए हुए हैं। चलिए तो दोस्तों फाइनली चलिए हम चलते हैं पहले बाहर की तरफ, बहुत तेज गर्मी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चलिए इस सब को करने में काफी मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगा, थोड़ा सा मेहनत लगा और चलिए फिर हम लोग चलते हैं और